हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट नौकरी चैनल में। और अभी भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र से। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बार फिर से जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना सरकार को करना पड़ रहा है। जी हाँ, देश भर में लॉकडाउन की जो स्थिति बनी हुई इसमें कोई दोहराय नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में आज लॉकडाउन जो है संपूर्ण लगाया जा सकता है, क्योंकि आज रात 8 बजे के बाद जो है उद्धव ठाकरे जी लाइव आने वाले हैं। और लाइव आने के बाद वो बताएंगे कि महाराष्ट्र में कब से जो है संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो आज रात से ही जो है लॉकडाउन को घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि 2-1 दिन का समय सरकार जो है आम जनता को दे सकती है संपूर्ण लॉकडाउन लगाने से पहले। बात करें राज्य में लगातार जो है कोरोना की मरीजों की संख्या वो बढ़ती जा रही, जिसकी अगर हम बात करें 24 घंटों की तो 67,000 के आसपास जो है मामले एक बार फिर से रजिस्टर्ड हुए। मुंबई में भी लगभग 8,500 के सामने जो है मामले रजिस्टर होते आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुंबई, महाराष्ट्र और बड़े बड़े शहरों में जो मुंबई महाराष्ट्र के हैं उन तमाम शहरों में बेड्स, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की काफ़ी ज़्यादा कमी हो रही, जिसकी वजह से एक बार फिर से राज्य में लॉकडाउन जो है संपूर्ण लगाने के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जो है भाषण में अपने कहा कि राज्य लॉकडाउन का जो विकल्प है उसे आखिरी समझे, लेकिन अगर कोई विकल्प नहीं है तो लॉकडाउन लगाना अनिवार्य रूप से ज़रूरी है, क्योंकि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ये आंकड़े अगर इसी प्रकार बढ़ते रहे तो आने वाले कुछ ही समय में सरकार का पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग का, क्योंकि लगातार मरीज की संख्या बढ़ रही है लेकिन बेड्स में जो है सीमित जो है वो लिमिटेड है। जी हाँ, जाहिर सी बात है जितने लोगों की संख्या बढ़ रही है महामारी के तौर पे, उससे जो है हॉस्पिटल्स, बेड्स, डॉक्टर्स, ऑक्सीजन तमाम चीज़ों की जो है भारी किल्लत होगी, और जिसके बाद जो है ये महामारी एक उग्र रूप धारण कर सकती है। फिलहाल आज रात 8 बजे के बाद आपके ऊपर इसके जो है स्पष्टीकरण मिल जाएगा कि संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा तो कब से लगेगा महाराष्ट्र राज्य में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।